दोस्तों आज की वीडियो हम सीखेंगे वीकेंड डेटा रोलओवर के बारे में। अगर आप वीआई के यूजर है यानी कि वोडाफोन आइडिया के आप कस्टमर है तो आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना तो इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। बेसिकली दोस्तों ये जो है एक ऑफर है जो कि वीआई के यूजर्स को मिलता है। अगर हम कंपेयर करें किसी दूसरे टेलीकॉम कंपनी से तो उसमें ऐसा ऑफर नहीं मिलता। अब दोस्तों इस ऑफर में ऐसा क्या खास है जो दूसरे ऑफर से ये अलग है, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखना। अगर इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो कर दो इस वीडियो को लाइक, और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली डेटा रोलओवर का मतलब होता है कि जो भी डेटा आपका बच गया वो आगे ट्रांसफर हो जाए, फिर जो डेटा बच जाए वो आगे ट्रांसफर हो जाए। आइए थोड़ा प्रैक्टिकल की मदद से इसको समझते हैं। जियो के केस में ऐसा नहीं होता। जियो में क्या होता है कि आपको डेली डेटा मान लो 2 GB मिलता है, आपने 1 GB डेटा यूज किया और 1 GB डेटा आपका बचा हुआ है, तो जो भी डेटा बचा हुआ है वो 12 बजे रात को जब रिन्यू होगा तो वो बचा हुआ डेटा आपका लैप्स हो जाएगा। बट वीकेंड डेटा रोलओवर में ऐसा नहीं होता है। यहां पे क्या होता है कि आपका जो भी डेटा बच जाता है वो आपका वीकेंड डेटा में जाके स्टोर हो जाता है। आइए थोड़ा एक एग्जांपल की मदद से इसको और भी अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि मैं जो है वीआई का कस्टमर हूं और मैंने कोई भी एक प्लान ले रखा है जिसमें वीकेंड डेटा का जो है ऑफर है और मेरे को 2 GB जो है पर डे मिलता है। तो आज मैंने 1 GB डेटा यूज किया और 1 GB मेरा डेटा बचा हुआ है। जब 12 बजे रात को मेरा डेटा रिन्यू होगा तो ये जो 1 GB डेटा बचा हुआ है ये क्या होगा, वीकेंड डेटा में जाकर ट्रांसफर हो जाएगा, लैप्स नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे क्या होगा, फिर मेरे को 2 GB मिलेगा और मान लो कि मैंने 500 MB यूज किया यानी कि 1.5 GB अभी भी बचा हुआ है, तो ये फिर से 1.5 GB जो है वीकेंड डेटा में ऐड हो जाएगा। यानी कि पहले से 1 GB था और आपका जो है 1.5 GB, टोटल कितना हो गया 2.5 GB। तो इसी तरह से प्रोसेस दोस्तों चलेगा मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे और संडे को यहां पे जो है वीकेंड डे में काउंट किया गया है। तो ये 2 दिनों में ही आप जो है अपने पूरे वीक का जो डेटा यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो मान लो दोस्तों कि मैंने मंडे टू फ्राइडे जो है 10 GB स्टोर करके रख लिया। अब सैटरडे को क्या होगा कि सैटरडे को आपको 2 GB आपका डेटा मिलेगा जो डेली लिमिट है, उसके बाद 10 GB प्लस आपका, तो यानी कि 12 GB आपके पास डेटा है। लेकिन जो पहले आपको डेली डेटा मिला है उसको खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप इस डेटा के ऊपर हाथ लगा पाएंगे। तो मान लो मैंने 2 GB खत्म कर लिया और इसमें से 4 GB मैंने यूज कर लिया, यानी कि 10 GB से मैं इसे 4 GB यूज किया तो 6 GB बच गया। तो ये 6 GB जो है फिर से मेरे संडे को मिलेगा, यानी कि संडे को फिर से मेरा डेली लिमिट जो है 2 GB का वो मिलेगा और प्लस ये जो है डेटा था रोल ओवर डेटा 6 GB वो मिलेगा। तो 6 GB प्लस 2 GB 8 GB, अब मेरे को 2 GB पहले खत्म करना पड़ेगा, फिर जो है 8 GB को यूज मैं करूंगा। तो जो फिर जो मैं 6 GB यूज करूंगा, वो जो 6 GB अगर मैं संडे को यूज नहीं कर पाता हूं पूरा, उसके बाद दोस्तों मेरा डेटा वो लैप्स हो जाएगा। यानी कि ये जो है प्रोसेस पूरा 1 वीक तक चलेगा। मंडे टू फ्राइडे आपका डेटा स्टोर होगा और सैटरडे और संडे को आपको यूज करने को मिलेगा। अगर 2 दिनों में डेटा को आप यूज कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं यूज कर पाएंगे तो आपका डेटा लैप्स हो जाएगा। तो ये है दोस्तों वीकेंड डेटा रोलओवर। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बहुत ही सिंपल और सीधे सीधे लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको बताना जरूर नीचे कॉमेंट्स करके, और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, जाके आप हमें फॉलो कर लो। तो आज का सवाल दोस्तों आपसे यही है कि कौन सा प्लान आप रिचार्ज करवाते हो नीचे कॉमेंट्स कर दो। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो वो भी नीचे सजेस्ट कर दो। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और भी ऐसे ही कमाल की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बस दोस्तों ऐसे आज के इस वीडियो में इतना ही। नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।